दिल्ली मतलब सत्ता की राजधानी, दिल्ली मतलब ताकत की राजधानी, दिल्ली मतलब दौलत की राजधानी। इस मुल्क के मालिकों के मठ हैं इस दिल्ली में, लेकिन एक मौसम इसकी ताकत, इसकी दौलत, इसके रसूख, इसकी संवेदनशीलता को उत्सवों के मेले से उठाकर फुटपाथ पर पटक देता है। यह दिल्ली की सर्दियों का मेला है, मजे में हैं लोग। रात ढलनी शुरू हुई है, पारा गिरना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ये रात ढलेगी, इस शहर के फुटपाथों पर एक नई दुनिया बनती जाएगी। हम देखने निकले हैं कि हुकूमत के रहनुमाइयों ने इस मुल्क के मुफलिसों के वास्ते कौन से मिल्कियत आबाद की है। मौसम कुछ भी हो, लेकिन ये मेला नहीं छटता। हुआ करता होगा तापमान आपके मोहल्ले में 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2.5 डिग्री, 2.25 डिग्री, और सोते होंगे इस मुल्क के फुटपाथों पर 2.25 करोड़ लोग, लेकिन सच यही है कि दिल्ली अपनी रफ्तार से चलती रहती है। अच्छा है, आई थिंक दिल्ली में वैसे भी विंटर्स बहुत कम दिनों के लिए रहते हैं, और जब तक हैं अच्छा है। हाँ, वो सुना था, मैं देख रही हूँ, अच्छी खासी ठंडी है। पुणे में तो नहीं होती है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा है, खराब है? सही है, सर्दी एंजॉय कर रही हूँ मैं। ले चलेंगे आपको फुटपाथों पर आबाद अभावों के संसार में, ले चलेंगे आपको विकास के दावों के बीच बुझते हुए मुफलिसी के बाजार में, और दिखाएंगे आपको अपने ही आगोश में सिमटी दुनिया सियासतों के बहार में। लेकिन अभी तो मेला देखिए, सर्दियों का मेला, ठिठुरते हुए मौसम में मौज का बयान है इंडिया गेट। विनिशा से मिलिए, दिल्ली की सर्दी मेलबर्न से खींच लाई है। Very warm, so it doesn't matter as long as it's India, so it's beautiful now, so it doesn't matter if it's cold, doesn't matter if it's hot, it's India. कौन कह सकता है कि इस भयानक सर्दी में आइसक्रीम के सैकड़ों खोमचे खड़े होते हैं इंडिया गेट पर, और रात में गर्म पानी पीने वाली जनता मजे से यहाँ कुल्फी खाती है। इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार, हुमायूं खान। लेकिन यही तो नहीं है ना सर्दी, और न ही यही है दिल्ली। इसी इंडिया गेट पर 29 साल के सकला दास मिले, हाथ की कारीगरी का सामान बेचते हैं। बिहार से 18 साल पहले आए थे कि कुछ कमा कर लौट जाएंगे, लेकिन पेट की आग ने इरादों की रस्सी झुलसा कर रख दी। वहाँ फिर बेरोजगार है, वहाँ काम धाम नहीं मिलते, यहाँ चले आते काम करने के लिए, और क्या करें, वहाँ भी वहाँ इतना काम धाम है ही नहीं। ढल रही है रात और गाड़ियों का रेला गुजर रहा है सड़कों पर। सफर पर है मुसाफिर, काम पर है कामगार, दुकानें सजी हुई हैं, खरीदारी चल रही है, लेकिन इस सफर के समानांतर एक अलग किस्म की दिल्ली भी आबाद हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 20 साल के सुरेंद्र मिले। 2 साल पहले यूपी के सीतापुर से आए थे, अब स्टेशन पर ठेला खींचते हैं, लेकिन अपनी ही जिंदगी को धक्का नहीं दे पाते। रहन बसेरा कहाँ, यहीं पर रहन बसेरा है, जो ये रुके थे, ये सोए थे। लेकिन गरीबी पर मुंह बिचकाने वालों के लिए फुटपाथ पर हमें जिंदगी की ऐसी तस्वीर मिली जिससे महलों की दुनिया को रश्क हो सकता है। रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली आए राकेश फुटपाथ पर सोते हैं। पूछा क्यों? गरीब आदमी है, कहाँ जाए साहब, घर द्वार तो छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं कमाने खाने के लिए। फुटपाथ पर सोए राकेश ने जब अपनी चादर हटाई तो हम दंग रह गए। सर्द रातों में कांपते हुए उनके पैरों के बीच में उनका एक दोस्त इत्मीनान से सोया हुआ था, और बाजुओं की ओट में दूसरा दोस्त। खत्म होते बाघों के दौर में एक टाइगर, और बिखरते हुए रिश्तों के दौर में संवेदना का एक मोती बिना किसी शिकन और शिकायत के बचा रखा है राकेश ने। हमें खिलाते हैं, हमें पिलाते हैं, हमारे पास ही सोते हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।